नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। 250 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ में राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाकर लोगों को रोजगार देने का कर रही है प्रयास। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत साक्ची और टिनप्लेट गुरुद्वारे के साथ टिनप्लेट खालसा मध्य विद्यालय ने डी कम्पोस्ट प्लांट की शुरुआत। जमशेदपुर में सिटी डेटा फॉर इंडिया वर्कशॉप के माध्यम से डिजिटल इंडिया पर विचार विमर्श करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा। जिला प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को नंबर वन पर लाने के लिए अख्तियार कर रही है गांधीगिरी का रास्ता। सरकारी अधिकारी और स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर लोगों को दे रहे हैं फूल तथा मिठाई। अब खबरें विस्तार से। 250 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ में राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाकर लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जो 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये बातें केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कही। जमशेदपुर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने बिष्टुपुर स्थित परिसदन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर उड्डयन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस सम्मेलन में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और उपायुक्त अमित कुमार के अलावे भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि जमशेदपुर से 19 सीटर विमान की सुविधा 15 फरवरी तक शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बोकारो और धनबाद को भी ये सुविधा प्राप्त हो रही है, जो सीधे कोलकाता से जोड़ा जाएगा। एयर डेक्कन को हम लोगों ने इसकी जिम्मेवारी दी है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार धालभूमगढ़ में राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए 150 एकड़ जमीन का चयन किया है, जिसमें 145 एकड़ जमीन सरकारी और फॉरेस्ट के अधीन है। 5 एकड़ जमीन में रह रहे लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। वहीं वन विभाग से भी एनओसी लेने के लिए आवेदन दे दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस को ये भूमि 1964 से पहले आवंटित की गई थी, मगर 1964 के बाद उसे रद्द कर दिया गया था, इसलिए इस जमीन पर सिविल डिफेंस का दावा गलत है। और सिविल डिफेंस अपनी किसी सुविधा को लेकर हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना चाहती है तो चाकुलिया में 1000 एकड़ जमीन का एयरपोर्ट हम लोगों के पास है, जिसे हम दुरुस्त कर सिविल डिफेंस को दे सकते हैं। इस एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र सरकार 250 से 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज पूरे देश में 12 लाख से अधिक लोगों को हम अपने विभाग के माध्यम से रोजगार मुहैया करा रहे हैं। वहीं धालभूमगढ़ एयरपोर्ट बन जाने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख से अधिक लोग रोजगार से जुड़ पाएंगे। 2018 तक और नई 50 एयरपोर्ट का निर्माण हम अपने विभाग के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों में करने जा रहे हैं। जो यहाँ एयरपोर्ट का काम चल रहा है उसके बारे में पहले तो एक मुआयना किया जाए, निरीक्षण किया जाए, और दूसरा विद्युत जी से, डीसी साहब से, विधायिका जी के साथ बातचीत करके आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोग किस प्रकार से एयरपोर्ट का काम आगे ले जाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में लोगों को मालूम है कि एक हम लोगों का सुनहरी वाला एयरपोर्ट जो है वो आजकल टाटा स्टील उसका उपयोग कर रही है, लेकिन उड़ान के तहत हमारी अपेक्षा थी कि इस एयरपोर्ट में जमशेदपुर से कलकत्ते की सेवा भी चालू हो जाएगी, और उड़ान के पहले चरण में जो बिडिंग हुई थी उसमें एयर डेकन को ये सेवा प्राप्त हुई थी कि वो सब्सिडी लेकर जमशेदपुर से कलकत्ते की फ्लाइट करेंगे और कलकत्ते से जमशेदपुर की फ्लाइट करेंगे। उनको स्कीम के तहत सितंबर 30 तक इस फ्लाइट सेवा को आरंभ करना था, लेकिन क्योंकि वो एक नई एयरलाइन है और उनको जहाज भी इंपोर्ट करना था, 19 सीटर उनका जहाज है बीच क्राफ्ट का, उसको इंपोर्ट करना था, और उन लोगों को पायलट्स, कैबिन क्रू, इन सब लोगों को रिक्रूट करना था, इसलिए उन लोगों को थोड़ा विलंब हुआ। और अब वो कह रहे हैं कि फरवरी 15 से ये सेवा चालू हो जाएगी, जिससे कि आप
जमशेदपुर से कलकत्ता जा पाएंगे और कलकत्ते से जमशेदपुर आ पाएंगे। मेरा बड़ा लंबा संबंध रहा है और मैंने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत काम भी किया है, बहुत निवेश भी किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी होगी और उसमें जो वृद्धि होने वाली है और उसमें जो हम लोगों को फायदा मिलने वाला है वो एक बहुत अद्भुत फायदा मिलने वाला है। जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक बसेस हो, उसी तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत उसका उपयोग चालू हो गया है दुनिया भर में। और आज के समय जो एक ऑटो रिक्शा है जिसकी कीमत 4-5 रुपए पर किलोमीटर है, जो आज के समय इन सबका अध्ययन कर रहे हैं वो कर बता रहे हैं कि अगर आप पैसेंजर ड्रोन्स को देखें वहां भी करीब करीब खर्चा 4-5 रुपए पर किलोमीटर आने वाला है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जमशेदपुर के साक्षी और टिनप्लेट गुरुद्वारा के साथ टिनप्लेट खालसा मध्य विद्यालय ने डी कम्पोस्ट प्लांट की शुरुआत की है जो झारखंड का पहला गुरुद्वारा और मध्य विद्यालय है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की पहल पर साक्षी और टिनप्लेट गुरुद्वारा के प्रधान ने अपने यहां जमीन उपलब्ध कराकर डी कम्पोस्ट प्लांट बनाने की अनुमति दे दी है। इससे यहां फैली गंदगी को अब इस प्लांट के माध्यम से नष्ट कर दिया जाएगा जो स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करने में एक बड़ी पहल साबित हो रही है। यह झारखंड में पहला धार्मिक स्थान है जहां डी कम्पोस्ट प्लांट लगने जा रहा है। इसके साथ ही टिनप्लेट खालसा मध्य विद्यालय ने भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने यहां डी कम्पोस्ट प्लांट बैठाने का निर्णय लिया है। ये भी झारखंड का पहला स्कूल होगा जहां डी कम्पोस्ट प्लांट के माध्यम से गंदगी को नष्ट किया जाएगा। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने इन सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर इस पहल की सराहना की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए संजय कुमार ने कहा कि ये झारखंड का पहला धार्मिक स्थान और स्कूल होगा जो डी कम्पोस्ट प्लांट के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करेगा। दरअसल जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 है वो कहता है कि जितने भी बड़े संस्थान है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे मैरिज हॉल हो, उनको अपने यहाँ का जो बायोडिग्रेडेबल जो मतलब वेस्ट है वो अपने यहाँ ही डिकम्पोस्ट करना है। तो अभी झारखंड में सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमने प्रस्ताव रखा आदरणीय जो प्रेसिडेंट साहब हैं इस गुरुद्वारा के, इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे, ना केवल सरकार के लिए बल्कि प्रशासनिक तबके के लिए, कि कम से कम ये स्वेच्छा से तैयार हो रहे हैं और ये तो स्वागत कर रहे हैं हमारी पहल का कि यहाँ बनाइए, हमें अच्छा रहेगा। तो जो मेरी जानकारी में है कि शायद झारखंड का ऐसा पहला गुरुद्वारा होगा जहाँ पर ये डिकम्पोस्टिंग ये पिट अपना लगवा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते टेम्पलेट गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान कृपाल सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में फैली गंदगी के कारण हम लोगों को धार्मिक कार्यक्रम कराने में काफी परेशानी हो रही थी। इस क्षेत्र की गंदगी के कारण आए दिन लोग बीमार हो रहे थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने डी कम्पोस्ट प्लांट बैठाने का निर्णय लिया है ताकि अपने क्षेत्र को स्वच्छ कर सके। डी कम्पोस्ट जो शुरू हो रहा है बहुत अच्छी बात है, इससे तो हम लोग बहुत दिन से परेशान है कि ये जितना मटेरियल है कहाँ इसको खपाएं और गंदगी बहुत फैल रही है, इससे सारी दुनिया मतलब जनता को परेशानी है। इसके चलते हमने गंदगी के चलते यहाँ इस बार लंगर नहीं करा के वहाँ करवाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पहला गुरुद्वारा होगा, ये अपना मेरे ख्याल से तो पहला ही गुरुद्वारा होगा जिसमें ये हो रहा है। जमशेदपुर में सिटी डेटा फॉर इंडिया कार्यशाला के माध्यम से डिजिटल इंडिया पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा सहित कई कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने विचार विमर्श कर भारत की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील और सीआईआई के तत्वावधान में स्मार्ट सिटी और सिटी डेटा फॉर इंडिया विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन के अलावे कई कॉर्पोरेट जगत के लोग उपस्थित थे। आईएसओ के तहत वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा में अपने देश की पहचान
कैसे बनाई जाए इस पर सभी कॉर्पोरेट जगत के लोगों और केंद्र सरकार के मंत्री ने विचार विमर्श किया। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि दुनिया के कई मुल्क ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे सस्ते दामों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को भारत में लाने की जरूरत है ताकि हम कम समय में अधिक काम कर सके। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से हम सस्ते दर पर हवाई सेवा व यातायात सेवा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। टाटा स्टील पिछले 100 वर्षों से अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जमशेदपुर शहर की पहचान देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने में सफल हुई है। स्मार्ट सिटी के मापदंड पर बेंगलुरु, हैदराबाद और जमशेदपुर है। इस शहर में टाटा स्टील खेल को बढ़ावा देने के लिए ISL जैसे टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपने प्रतिभा को दिखा रहे हैं। ये भी अपने शहर और झारखंड की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। झारखंड के कई और शहर राज्य सरकार की मदद से विकसित किए जा रहे हैं। And which is why I have such tremendous hope for Jharkhand, is that our cities are doing well. And as we all know, if you think about economic progress, the growth of countries around the world has actually been driven by successful cities. And of course, across Jharkhand, whether it is Jamshedpur, whether it is Bokaro, Dhanbad, even Dumka, and of course Hazaribagh, our cities are doing quite well. Ranchi is progressing very nicely as a capital. It's growing, it's prospering. There's a lot of work to be done, but we have a good vision in place for Ranchi as a capital as well. And because our cities are doing well, I think there is a tremendous opportunity for Jharkhand to do even better. We are already growing over 10% when it comes to state GDP in one of the fastest growing states in India already. But for us to become one of the top few states in India, it is extraordinarily important for our cities to really be in the vanguard, be in the leadership. जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत हो रहे सर्वे में अपने शहर को नंबर वन बनाने के लिए अब गांधीगिरी का रास्ता अख्तियार कर लिया है, जहां सरकारी अधिकारी और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार अब बाजार के दुकानदारों के पास जाकर अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए फूल और मिठाइयां देकर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के स्पेशल ऑफिसर संजय कुमार ने अपने ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार के साथ मिलकर साक्षी बाजार में गांधीगिरी का रास्ता अख्तियार करते हुए दुकानदारों से अपनी दुकान और रोड को साफ रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने दुकानदारों को मिठाई और फूल भी दिए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए JNAC के स्पेशल ऑफिसर संजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में सर्वे के लिए टीम जमशेदपुर पहुंच चुकी है, जिसे देखते हुए हम दुकानदारों से गांधीगिरी के माध्यम से स्वच्छता के प्रति ध्यान रखने की अपील कर रहे हैं, ताकि हमारा शहर नंबर वन बन सके। ये अभियान आगे भी जारी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हम दुकानदारों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह की माध्यम अपना करके लोगों को जागरूक करते हैं, ये एहसास दिलाने के लिए करते हैं, किसी का मखौल उड़ाने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ये प्यार से सबको समझाते हैं कि स्वच्छता एक सामाजिक विषय है और हर समाज के हर तबके को आगे आना चाहिए। और ये खुद भी मेहनत करते हैं और दूसरों को जगाते हैं। तो पता चला कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर ये अभियान चला रखे हैं, तो सूचना मिली तो हम भी इनके साथ आकर के लग गए। जमशेदपुर में 3-4 दिन बाद स्वच्छता सर्वेक्षण होना है, तो सभी लोगों का अपेक्षा इसमें है कि सब लोग इसको सहयोग करें और अपने घर घर में सफाई रखें, अपने दरवाजे में सफाई रखें। और जहाँ जहाँ हमारे उड़नदस्ता दल दौड़ रहे हैं तो वो फाइन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ फाइन करने का मकसद उनको सिर्फ एहसास कराना है कि आप गलत हैं। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी की असीम कृपा से जमशेदपुर सहजयोग सेंटर की ओर से आगामी 10 जनवरी की शाम 5:30 बजे से राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में सामूहिक कुंडलिनी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोलंबिया से आई सूफी गायिका अनिंदिता बासु अपनी गायकी से परम के खोजी बंधुओं को आत्म साक्षात्कार प्रदान करने में सहयोग करेंगी। सदियों पुरानी कुंडलिनी जागरण की विधि को परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने जन साधारण के लिए अत्यंत सरल बनाकर आत्म साक्षात्कार के जरिए खुद को परम से जोड़ने का अद्भुत शक्ति हमें प्रदान किया है।
श्रीमान ही जन जन को आत्म साक्षात्कार देकर उनके आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का बीड़ा उठा लिया था। अब उनके अनुयायियों द्वारा सामूहिक कुंडलिनी जागरण यानी आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम से हर परमात्मा के खोजी बंधुओं का जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत आगामी 10 जनवरी को साक्षी राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में संध्या 5:30 बजे से सामूहिक आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इसके तहत आगामी 10 जनवरी को साक्षी स्थित राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में संध्या 5:30 बजे से सामूहिक आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम रखा गया है। इस सुअवसर पर कोलंबिया से आई सहजयोगिनी सूफी गायिका अनंदिता बासु अपनी गायकी से उपस्थित परम के खोजी बंधुओं का कुंडलिनी जागृत करेंगी। अतः आप सभी परमात्मा के खोजी बंधुओं से आग्रह है कि इस महान अवसर का लाभ उठाए और जीवन में व्याप्त समस्याओं तथा अंधविश्वास की बेड़ी से खुद को आजाद कर अपने आप में बसे ईश्वरीय शक्ति से खुद का पुनः रिश्ता स्थापित करें। हर इंसान में सुप्तावस्था में ईश्वरीय शक्ति बनी रहती है, सिर्फ आत्म साक्षात्कार के जरिए उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। अतः आप सभी बुधवार 10 जनवरी की शाम 5:30 बजे राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में पहुँचने की कृपा करें। जमशेदपुर में एक मां ने मां नाम को शर्मसार कर दिया है। जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास कचरे के डस्टबिन में नवजात बच्चे को फेंका गया था। सुबह सफाई कर्मचारियों की नजर बच्चे पर पड़ी, जिसके बाद कर्मचारियों ने नवजात बच्चे को उठाकर आनन फानन में स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। बच्चे की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने बच्चे को इलाज के लिए TMH रेफर कर दिया। एक मां ने अपने एक दिन के नवजात बच्चे को कचरे के डस्टबिन में कैसे फेंक दिया और इस ठंड में रात भर बच्चा डस्टबिन में ही पड़ा रहा, जिसके बाद सुबह सफाई कर्मचारियों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। बच्चे को बचाने के लिए वहां सैकड़ों लोग पहुंच गए थे। बच्चे के लिए वहां मौजूद लोग भगवान से उसके स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहे थे। एक महिला ने कहा कि एक मां ने फेंक दिया तो दूसरी मां उसे जरूर पालेगी और बच्ची को गोद लेने के लिए मैं यहां आई हूं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कचरा उठाने के रुके, बच्चा का आवाज आ रहा है, कचरा बच्चा को बिलक बिलक कर रहा था। कितने महीने का बच्चा होगा ये हमको लगता है सर कि पैदा हुआ बच्चा है, ताजा बच्चा है। 5 घंटा पहले का ताजा बच्चा है। अनुमानित आए तो हम नहीं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है लगभग 7-8 महीना का है और प्री मैच्योर बेबी है और इसका वजन 1.75 kg है ना, और इसको आगे का ट्रीटमेंट की जरूरत है। छोटा गोविंदपुर स्थित शंकरपुर एवं सनातनपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टाटा मोटर्स के द्वारा संचालित परिवार कल्याण केंद्र एवं सामाजिक संस्था भारतीय जनसेवक परिषद द्वारा शंकरपुर सनातनपुर ग्राम में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच इस शिविर में कराई। इस मौके पर भारतीय जनसेवक परिषद के संरक्षक अरविंद साहू ने बताया कि हर साल ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाने का उद्देश्य यही रहता है कि गरीब लोग अपना इलाज इसमें करा सके और वे स्वस्थ रहे। टाटा मोटर्स के परिवार कल्याण केंद्र के द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप हम लोगों ने लगवाया है। भारतीय जनसेवक परिषद के संस्था हम लोग करते हैं और उसके तहत गोविंदपुर के इस शंकरपुर और सनातनपुर गांव में हम लोग समय समय पर इन लोगों का मदद करने के लिए हमेशा आगे हैं।
1 जनवरी को भी हम लोगों ने कंबल वितरण किया और अभी लाभार्थ से भी बात चल रही है हम लोगों की। इस दोनों गांव में शौचालय की व्यवस्था के लिए उन लोगों ने आश्वासन भी दिया है। ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत है, वैसे पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल स्थित धालभूमगढ़ अब कश्मीर बन चुका है। कड़ाके की ठंड के कारण इस गांव में बर्फबारी हो रही है और तापमान 0 डिग्री पर चला गया है, जिसके कारण लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बर्फबारी के कारण रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ठंड ऐसे ही बनी रहेगी। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चे और बुजुर्गों को हो रही है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पहली बार ठंड में बर्फबारी हुई है, जो कश्मीर में हुआ करती थी वो अब धालभूमगढ़ में हो रही है। वहीं पिछले 70 सालों के रिकॉर्ड को ठंड ने यहाँ तोड़ दिया है। 18 दिनों से मौत से जंग लड़ रहे 27 वर्षीय आमिर खान आज जमशेदपुर के जेएमएच के आईसीयू में दम तोड़ दिया। वहीं जेएमएच के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया है। आमिर खान पिछले 18 दिनों से जेएमएच में बुखार की शिकायत पर भर्ती हुए थे। 2 दिन पहले अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके परिजनों को उसके अंधे होने की सूचना तक दी थी। परिजन युवक के अंधे होने की सूचना से परेशान हो गए, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर अस्पताल गेट को घंटों जाम कर दिया था। आज जब युवक की मौत की खबर मिली तो परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। युवक की मौत से परिजन मीडिया में बोलने की स्थिति में नहीं थे। वहीं मृतक के परिजन के साथी ने बताया कि बुखार होने से युवक की आंख की रोशनी का चल जाना और युवक की मौत हो जाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि जब युवक की मौत हो गई तो उसका बिल को टीएमएच माफ करे। बिल माफ करने को लेकर अस्पताल के जीएम को पत्र लिखा गया है। अब देखना यह है कि टीएमएच प्रबंधन बिल माफ करती है या नहीं। तो आमिर खान जो यहाँ पे भर्ती थे 21 तारीख को एडमिट हुए थे, वो उनके साथ में बुखार बोले कि बुखार ज्यादा है, बुखार के नाम पे बस्ती हुई। अब उनका दोनों आंख चली गई, उसके बाद डॉक्टर बताया कि ब्रेन डेड कर गया है। आज सुबह 10:40 में सूचना मिली कि उनकी मौत भी हो गई है। तो यही कहना है कि अब तो मौत हो गई, उनके बेचारे को पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उनका माँ भी बार बार बेहोश हो रही है, पत्नी भी बहुत दुखित है, 2 माह का छोटा बच्चा है वो भी किसी तरह से उसको दूध पिला के या किसी तरह से रह रही है। घर में बहुत मातम पसरा हुआ है। अभी यही मांग है हम लोग का कि अब जो भी हुआ है, जो भी उनका बिल वगैरह है, उनको सिर्फ प्रबंधक माफ कर दे और डेड बॉडी को बाइज्जत उनको को रिलीज करे, जो कि अपना वो लोग नियमित धर्म के अनुसार काम क्रिया कर सके। सरायकेला खरसावा जिला पुलिस का प्रयास रंग लाई है। आपको बता दें कि जिले के एसपी चंदन सिन्हा के पदभार ग्रहण करते ही उनके द्वारा जिले के तमाम उद्यमी, व्यवसायी संगठन एवं बुद्धिजीवियों के संग हर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर बैठकें की गई थी, जिसमें उनके द्वारा सीसीटीवी लगवाने की अपील सबसे की गई थी। वहीं उनके अथक प्रयासों से पूरे जिले में करीब 40 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। वहीं आज सरायकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया। वहीं इस दौरान जिले के एसडीपीओ, एसडीओ समेत कई पुलिस पदाधिकारी एवं चैम्बर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अपराध को रोकने के लिए जो है सीसीटीवी कैमरा की मदद लेने का जो है शुरुआती पहल मैंने किया था, और मैं यहाँ सरायकेला की जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यवसायियों को धन्यवाद देता हूँ कि इस पूरे जिले में सबसे आगे ये रहे। हमने गम्हरिया में भी प्रयास किया है, आदिपुर में प्रयास किया है, खरसा में प्रयास किया है, सब जगह काम चल रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि सरायकेला सबसे आगे रहा और आज यहाँ उद्घाटन भी हो गया। अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, मैं पुनः जो है कैमरा कॉमर्स को धन्यवाद देता हूँ। और जगह मतलब 12 कैमरा आदिपुर एरिया में लग चुका है, 6 जगहों पर 12 कैमरा, और गम्हरिया में 2 जगह पर कैमरा लग चुका है, रेस्ट जगह पर केबलिंग चल रही है, खरसावा में भी जो है कैमरा लग गया है चांदनी चौक। गम्हरिया प्रखंड से अंचल कार्यालय के नए भवन निर्माण कार्य की आधारशिला आज ही रखी जानी थी, इसलिए शिलापट भी लगाया गया था, जिसमें सांसद लक्ष्मण गिलुआ तथा विधायक चंपल सोरेन का नाम भी लिखा हुआ है। यहां तक कि बैंड बाजा भी आ चुका था, पर समारोह की शुरुआत ही हुई नहीं। आप खुद देख सकते हैं शिलापट लगा है, नाम भी सांसद और विधायक का यहाँ लिखा हुआ है, जिनके कर कमलों द्वारा शिलान्यास होना था। तारीख भी आज ही का है, यानी 9 जनवरी 2018।
अंचल कार्यालय में बैंड बाजा भी पहुंच चुका था, पर कोई अधिकारी या राजनेता यहां नहीं पहुंचे थे, ना ही ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह यहां संपन्न हुआ। सारे बाराती तैयार थे, मंडप भी सज चुका था, पर नहीं था तो दूल्हा, कुछ ऐसा ही नजारा यहां देखने को मिला। खैर, मामला प्रशासन का था तो प्रशासन के अधिकारी को ही इसका असली कारण का पता होगा। विभाग को पूछिए, जो विभाग काम करा रहा है, नहीं स्पेशल डिवीजन सेल करा रहा है, इसको वर्किंग एजेंसी वही है। नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों को खबर नहीं है? हम लोग को खबर कल तक तो नहीं था, लेकिन रात में पता चला कि होने वाला था, फिर रात में ही कोई फोन करके बोला कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके आवाज के पास नहीं, मतलब लग रहा आपको कुछ खबर नहीं चल रही? नहीं, खबर हमें नहीं। अब बोले ना, स्पेशल डिवीजन से पूछिए कब करा रहे हैं, उनका काम है। स्पेशल स्कूटी इंजीनियर से पूछिए, उन्हीं की ऐसे वर्किंग एजेंसी है, उनको दिया हुआ है सारा काम करने के लिए। जिले के खनन विभाग के द्वारा 18 खदानें खोलने की मंजूरी के साथ साथ इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। इसी मामले को लेकर बोडाम प्रखंड के कई ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर छोटा बांगुडवा को स्टोन का उत्खनन के लिए नहीं देने का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर लीज दे दिए जाने से गांव की स्थिति काफी खराब हो जाएगी। ग्रामीणों ने कहा, फिलहाल आवेदन देकर सारे ग्रामीण इस लीज को रद्द करने की मांग किए हैं। अगर फिर भी उस जगह पर लीज दिया जाएगा, इसे ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। उधर पत्थरकरण का लीज दिया गया है, चामीटी ग्राम हम लोग का चामीटी है, छोटा बांगुड़ा कुछ शिक्षा सटा हुआ है, जो कि उसको लीज कर दिया गया है। हम लोग पूरी तरह से, चार गांव के ग्रामीण उसको पूरी तरह से मतलब विरोध करते हैं। मेरी तरह वही लीज रद्द करने का मैं आवेदन दिया हूँ, नहीं होगा तो हम लोग वहाँ किसी तरह से वहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। पूरा गाँव वाला आंदोलन, जोरदार आंदोलन है चार गाँव को मिलाकर। सर वो तो पता नहीं है, मगर एक तो बैठेगा जब लीज हुआ है तो। अब देखिए सर, वहाँ तो घर बसा हुआ है डुंगरी में, झारखंड सरकार से उस मतलब पट्टा भी दिया गया है, भूमि इनको बैठा भी गया है, और फिर उस डुंगरी को मान लीजिए लीज दिया जा रहा, तो फिर वो लोग कहाँ जाएगा? ऐसा तो लोगों का जमीन नहीं है, बेघर ही है, फिर अब वहाँ से भी उजड़ने का कोशिश हो रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।